ये बीप की आवाज सुनी है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल वास्ट्रो है 14300 सीरीज, ठीक है। इसको प्रॉब्लम जो आ रही है वो इशू ये है कि जब इसको ऑन करते हैं, ये बटन पुश किया इसका, ये ऑन हुआ लैपटॉप, क्या ये डिस्प्ले आया है इसका, ये बीप की आवाज़ सुनी है आपने, और ये साथ ही डायग्नोसिंग पे चला गया, ठीक है। ये सपोर्ट असिस्टेंट प्री बूट सिस्टम परफॉर्म्स चेक, ठीक है, यानी कि इसकी जो है ना हार्ड की डिटेक्शन नहीं हो रही, तो ये सिस्टम जो है ना वो सिस्टम स्कैनिंग की प्रोसेस में चला जाता है। ये वास्ट्रो 3401 मॉडल है, ठीक है। अभी इसको चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है, रिस्टार्ट करेंगे और इसके सेटअप में जाके देखेंगे पहले, सबसे पहले कि इसकी हार्ट की डिटेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। F2 के साथ इसका सेटअप आएगा, देख रहे हैं आप, प्रिपेयरिंग टू एंटर बायो सेटअप, तो ये F2 की प्रेस करेंगे, ठीक है, ये इसका सेटअप आ गया है। अभी इसकी जो हार्ड है वो चेक करेंगे, आ रही है या नहीं आ रही है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, हार्ड इसकी शो हो रही है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, 1 TB हार्ड आ रही है इसकी, साटा 1 TB तो शिबा की हार्ड है, लेकिन बूट नहीं कर रही है। तो अभी इसको चेक करेंगे, M2 कार्ड इसका ऑफ हो गया, इसको ऑन कर लेंगे, रेट के ऊपर साटा कंट्रोलर डिसेबल, इस कॉन्फ़िगरेशन रेट, ठीक है, यस। तो रेड ऑन करेंगे, ये AHCI पे था, रेड ऑन किया इसका, ठीक है। अब इसको अप्लाई चेंज करके चेक करेंगे, उसके बाद बूट ऑप्शंस, UEFI जो है ना इसकी मोड हुआ है UEFI, तो चलेंगे सेव की ऑप्शन रेट पे, इसको चेक करते हैं ज़रा। लेकिन जी इसको ओपन करके चेक करेंगे, अंदर जो है इसके हार्ट की डिटेक्शन जो हो रही है वो, कहीं बहुत टाइम ऐसा होता है कि हार्ट की डिटेक्शन हो रही होती है लेकिन डिस्प्ले जो है ना इसका हार्ट का विंडोज़ ऑन नहीं होती। इसको ओपन करते हैं, ये मुकम्मल जो है ना पीछे से डी पैनल इसका ओपन कर लेंगे, ये मुकम्मल इसके स्क्रीन ओपन करेंगे पहले। बिस्मिल्लाह जी दोस्तों, ये हार्ड है इसकी, ये हार्ड का कनेक्टर है, ये वायर गई हुई है बैटरी से नीचे इसके ऊपर, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगा के चेक कर लेते हैं। हार्ड के जो है ये इसके लिए खोलेंगे, ओपन करेंगे, तोशीबा की हार्ड है इसकी, हेल्थ और परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे एक दफ़ा। टाइम ले रही है ये,
बूट फ्रॉम स्टडी। हार्डिस टूल, हार्डिस सेंटिनल, पैरेट्रैक एंड टेम्परेचर। जी दोस्तों, ये तो शिबा की आर्ड आ गई है, लेकिन इसकी हेल्थ बिल्कुल ही 4% रह गई है। ठीक है, तो शिबा की इसकी हार्ट ख़राब है, इसकी हार्ट चेंज करेंगे। इसके अंदर SSD लगाई है 128 GB की। ठीक है, ये 128 GB इसकी SSD आ गई है। ठीक है, ये पार्टीशन साफ चेक कर लें। UFI वाली जो है ना, इसके अंदर USB बूट होगी, सिंपल लेगेसी वाली USB इसके अंदर बूट नहीं होगी। ठीक है, UFI वाली USB, तो उसका हार्ट का इशू है। अभी इसके वो हार्ट को फाइनल करके, विंडो वगैरह करके मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। ये विंडो हो गई है इसकी UFI में, विंडोज़ 10। तो अभी इसकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करेंगे और मैं आपको चेक करवाऊंगा कि SSD फिटिंग, इसकी मुकम्मल हार्ड की फिटिंग कैसे करते हैं, वो भी चेक करवाऊंगा। चलिए जी, इंटेल कोर i3 10th जनरेशन 1.2 GHz का प्रोसेसर है, 4 GB रैम है। ठीक है, ये वो चीज़ इन्होंने की हुई है, 10th जनरेशन दे दी हुई है, लेकिन अंदर हार्ड जो है वो सादी SSD लगी हुई है, ना SSD लगी हुई है, ना M2 कार्ड लगा हुआ है। अजीब बनता है इनकी। चले इसको पैक करते हैं, पैक करके तो मैं आपको बताता हूँ इसकी शेड ऑन कर लें, पहले SSD की फिटिंग करते हैं इसकी। चलें जी, ये सादी 8 थी इनकी, तोशिबा की 1 TB। ठीक है, और ये 128 SSD सैंडिस्क में। अभी इसकी फिटिंग जो है वो, इसकी जो फिटिंग है हार्ड की, वो इसको लगाएंगे। ले जी, फिटिंग हो गई है। ठीक है, ये पुरानी इसकी 8 तोशिबा की। अब इसको ज़रा फिट करेंगे जैक के साथ। ये लंच, हार्ड की फिटिंग हो गई है मुकम्मल। ठीक है, इसको पैक करेंगे। स्क्रू लगाएंगे इसको सारे। ठीक है, मुकम्मल स्क्रू लगाएंगे। ये रहे, स्क्रू लग गए सारे इसको। ठीक है, अब इसको ऑन करेंगे। मुकम्मल ओके हो गया ये। इसके अंदर SSD लगा के, ठीक है, 128 GB विंडोज़ 10 की है, UFI सेटिंग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।